6 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा का दायरा है। तो आज इसको पैदल ही हम जो है पूरा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या बना हुआ है इसके चारों तरफ। सुबह सुबह फ्रेंड्स मिलते हुए, फूड कोर्ट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है शायद से। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं आना सागर की बोटिंग एरिया में, तो यहाँ पे बोटिंग होती है और कुछ रेट इस तरह से लिखी हुई है। तो सामने की तरफ आ चुके हैं आना सागर के, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे कुछ ऊँट भी हैं और सामने है मित्तल हॉस्पिटल। कई लोगों के लिए सोने की जगह भी है, क्योंकि हो सकता है इनको रात में सोने की व्यवस्था ना मिली हो। तो ये अभी बन रहा है, अभी पूरे बने नहीं है ये, और भी चीज़ें बनी हुई इधर, और खजूर भी आ रहे हैं इनके ऊपर, देखिए। फ्रेंड्स वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शाम को जो है म्यूज़िकल शो भी होता है, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे म्यूज़िकल शो होता है और बतखें ही बहुत सारी हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स काफ़ी दूरी तक मैं आ गया हूँ, पर अब यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि मैं बिल्कुल काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गया था और फिर वहाँ जाके बंद कर रखा है उसको। अब तो मुझे बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। ओ भाई मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया आज तो, क्योंकि तो रास्ता पूरा कच्चा हो चुका है। और थोड़े दिनों पहले अखबार में खबर आई थी कि पूरा बन चुका है, तो मैं बता दूँ अजमेर वासियों ये बना नहीं है अभी तक, भी कच्चा है पूरा। अभी दोस्तों मैं बता दूँ अभी हम है कहाँ, अभी हम जो इसकी जो मेन चौपाटी है, मेन चौपाटी पे दोस्तों अभी इसके सामने ही कुछ ये बिल्डिंग्स है अगर आप पहचानते हो तो। तो अभी अपन यहाँ पर हैं दोस्तों। ये वीडियो इस खास इसलिए भी है क्योंकि सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं अभी और मॉर्निंग का टाइम है। चलिए तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी और फटाफट चलते हैं, क्योंकि पैदल चलना है। पैदल को पूरा करने में देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे, अभी 5:30 बज रहे हैं, तो मैं आपको जब पूरा हो जाएगा फिर उसका टाइम बताता हूँ। दोस्तों अजमेर की इस खूबसूरत झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा आणा चौहान ने लगभग 12वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। दोस्तों सामने आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही ना, उन पहाड़ी के पीछे की तरफ ही पुष्कर है। और वैसे जब यहाँ पे सर्दी के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं और पूरा लगभग झील पूरी भरी हुई होती है। दोस्तों इस आणा सागर झील के किनारे पर कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के सामने से साइकिल ट्रैक चालू होता है। जी हाँ दोस्तों, ये साइकिल ट्रैक है, पैदल यात्रा अलग है और साइकिल ट्रैक अलग है। सुबह सुबह फ्रेंड्स मिलते हुए, दोस्तों आणा सागर के इस हिस्से में कुछ गार्डन वगैरह बनने वाला है, हालांकि अभी बना नहीं है पर बनने वाला ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी। और थोड़ी देर में सूरज भी निकलने वाला है और हम उसके पीछे की तरफ से आए थे वहाँ से। चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी तो बहुत लंबा चक्कर काटना है। इस खूबसूरत झील के किनारे पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते शहरवासी। फ्रेंड्स आगे चलने पे एक जगह है ये, यहाँ पे कुछ पक्षियों को दाना वगैरह डाला जाता है, मुझे नाम तो पता नहीं इस जगह का क्या है। दोस्तों सामने 7 वंडर बने हुए हैं, वो एफिल टावर, ये झुकी हुई मीनार है पीसा की। तो ये अभी बन रहा है, अभी पूरे बने नहीं है ये, और भी चीज़ें बनी हुई इधर, पिरामिड्स हैं, एफिल टावर। और अब हम लगभग बिल्कुल सामने से थोड़ा सा अभी और बाकी है, तो हम कुछ वहाँ से आए थे और अभी तो हालांकि ज़्यादा हिस्सा बाकी है। काफ़ी दूर चलने के बाद अब थकान होने लगी है, पर इन बच्चों को साइकिलिंग करते हुए देख फिर से एक नया जोश आ चुका है। और यहाँ पे बहुत सारी बतखें ही बतखें हैं, बहुत सारी हैं, हालांकि यहाँ पे शायद लोग जो है दाना भी डालते होंगे बतखों को। और इस जगह पे सबसे ज़्यादा रश है पूरे आणा सागर के चारों तरफ, जितना रश है ना सबसे ज़्यादा रश यहीं पर ही है। और ये जगह रोड के नज़दीक भी है। फ्रेंड्स वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शाम को जो है म्यूज़िकल शो भी होता है, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये यहाँ पे म्यूज़िकल शो होता है और बतखें ही बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब लगभग मैं बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने आ चुका हूँ और मुझे लगता है शायद आधा घंटा मुझे हो गया होगा बिल्कुल सामने आने में। तो अब
थोड़ा सा आधा घंटा और लगने वाला है। बहुत ही अच्छे यहाँ पे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखना इनको, इससे मतलब खूबसूरती और बढ़ गई है। और खजूर भी आ रहे हैं इनके ऊपर देखिए। तो फ्रेंड्स ये है वो ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ पे सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और यहाँ पे आगे जो है पानी क्लीन होता है, फिल्टर होता है वहाँ पे पूरा। सामने की तरफ आ चुके हैं आना सागर के, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे कुछ ऊँट भी हैं और सामने है मित्तल हॉस्पिटल। दोस्तों अजमेर का एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है प्राइवेट, और यहाँ पे कुछ ऊँट हैं, यहाँ कुछ आना सागर से आती हुई ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मैं इस पथवे पे आगे बढ़ चला हूँ और मित्तल हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा हूँ। आना सागर के सब तरफ थोड़े थोड़े से दूरी पर कुछ कुछ गार्डन्स बना रखे हैं, जहाँ पे लोग आकर के आराम कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब अपना टाइम पास कर सकते हैं। और ये मित्तल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की तरफ ही है ये वाला गार्डन। तो यहाँ से आधी दूरी और रह गई है, अब ये रास्ता थोड़ा सा नीचे से होके जाएगा। मेरे को लगता है बरसात के टाइम तो ये पूरा इसके ऊपर से जाता होगा पानी। न्यू चौपाटी, और ये उसके बिल्कुल सामने है उस पुरानी चौपाटी के। फ्रेंड्स काफ़ी दूरी तक मैं आ गया हूँ, पर अब यहाँ से रास्ता बंद कर रखा है, ताला भी लगा रखा है। थोड़ा सा दूर और था सामने की तरफ जाना था, पर ये तो अब यहाँ बंद है। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि मैं बिल्कुल काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गया था और फिर वहाँ जाके बंद कर रखा है उसको। अब तो मुझे बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। मैंने सोचा था शायद 13 किलोमीटर तो मैं कर लूँगा, अब पता नहीं मुझे कितना अब लगने वाला है। मुझे लग रहा है 20 किलोमीटर ही होने वाला है अब तो पूरा। और वापस जा रहा हूँ तो उसका रास्ता भी नहीं मिल रहा है रोड के पास का, वापस जाने में भी कुछ 2-3 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ, अब देखता हूँ बाहर का रास्ता कहाँ से मिलता है। उधर तो आना सागर है, अच्छी ड्राइंग्स पेंटिंग कर रखी है। शायद सामने कहीं वो रास्ता है वहाँ से बाहर निकलने का। फ्रेंड्स मुझे चौपाटी से के यहाँ से आना सागर की जो रोड है उसको छोड़ करके मेन रोड पे आना पड़ा है अभी, और अब इधर आगे चल दूँगा फिर देखता हूँ कहीं से शायद अंदर वापस आना सागर की तरफ रास्ता जाता हो तो, पर अभी तो रोड पे ही चलना है। बस एक चीज़ ठीक है कि अभी सूरज ज़्यादा ऊपर नहीं आया, वरना इतनी गर्मी में अगर सूरज ऊपर आ जाता तो फिर मुश्किल काम हो जाता। फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ, ये आदित्य पैलेस है इसके सामने की तरफ आ गया हूँ अभी मैं। एक रास्ता मिला तो है, देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है, वरना वापस आना पड़ेगा इससे भी। वैसे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो शायद मेरे को नहीं लगता ये चालू होगा रास्ता। अब इस पर आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ ये मेरे को अब असमंजस में हो गया हूँ मैं। भैया ये आगे तक निकल जाएगा कि रास्ता, वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना मुझे? उधर मत जाना, इधर चले जाओ। नहीं नहीं मेरे को उधर जाना है, उधर तो आगे यहाँ निकल जाओगे। निकल जाऊँगा ना, चलो भैया ने कहा है कि निकल जाओगे तो इनकी बात मान लेता हूँ। वापस तो नहीं आना पड़ेगा ना भाई? चलिए चलता हूँ। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इस वजह से शायद से इसको बंद कर रखा है। अभी तो कच्चा है, ये तो बना नहीं है। कोई नहीं चलते हैं, क्योंकि सड़क से अगर मैं होके जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी मुझे। अभी भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं उसके सामने की तरफ ही, अभी मुझे पूरा चक्कर काटना है। ओ भाई मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया आज तो, क्योंकि तो रास्ता पूरा कच्चा हो चुका है
और थोड़े दिनों पहले अखबार में खबर आई थी कि पूरा बन चुका है। तो मैं बता दूँ अजमेर वासियों, ये बना नहीं है अभी तक भी। यहाँ से कुछ साइड का रास्ता जा रहा है, देखता हूँ ये कहाँ तक जाएगा। इस पर जाता हूँ मैं। अब तो मैं एक कॉलोनी में आ गया हूँ और कॉलोनी में से होकर जाना पड़ेगा अब तो। फाइनली दोस्तों वापस से चौपाटी की तरफ आ गया हूँ। तो दोस्तों अभी पूरा रास्ता उस तरफ से आता ही है, पर अभी किसी काम की वजह से बंद कर रखा है। और ये लुक व्यू फूड कोर्ट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है शायद से। तो यहाँ पे कुछ ये व्यू है, वेलकम लिखा हुआ है। चलिए अब उनको चलना है सामने की तरफ चलना है अभी अपन को। तो यहाँ से होकर के चलते हैं। वो भाई छोटू भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या नाम भैया आपका? आदिल शेख। आदिल शेख भैया है जो है मछलियों को दाना डाल रहे हैं। और चलिए बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। सामने बतखे भी हैं। तो आना सागर की ये चौपाटी कई लोगों के लिए सोने की जगह भी है, क्योंकि हो सकता है इनको रात में सोने की व्यवस्था ना मिली हो, तो इस वजह से ये यहाँ पे हैं। अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। छोटे बच्चे रो रहे हैं, इनको चलना है सामने जहाँ पे कुछ बोट्स दिख रही होगी उसकी तरफ। तो यहाँ पर प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं जो बाहर से आती हैं सब। फिर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ से बंद है अभी है, यहाँ से बंद है, वापस रोड से ही होके जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही फेमस एक उद्यान बना हुआ है, सुभाष उद्यान। हालांकि यहाँ तो अभी सुबह सब सैर करने वाले लोग ही हैं। चलिए हमें तो आगे चलना है, तो वापस चलते हैं बाहर की तरफ। काफ़ी हिस्सा मुझे रोड से ही पूरा कवर करना पड़ा। अभी मैं आ गया हूँ ये बजरंगगढ़ चौराहे पर, अजमेर का बजरंगगढ़ चौराहा है। और एक पहाड़ है पहाड़ के उस तरफ, फिर जाकर के जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी वो जगह है। दोस्तों एक विजय स्मारक बना हुआ है और यहाँ पर एक टैंक भी रखा हुआ है और सामने बजरंगगढ़ मंदिर है। दोस्तों अभी हम आ गए आना सागर की बोटिंग एरिया में। तो यहाँ पे बोटिंग होती है और कुछ रेट इस तरह से लिखी हुई है। और सामने पानी में बोट्स हैं बहुत सारी, अंदर की तरफ भी बोट्स हैं। ये एक और गार्डन बना हुआ है यहाँ पर। और लगभग अब जो है मेरा राउंड पूरा हो चुका है। थोड़ा वो जो बोर्ड दिख रहा है आपको नीले रंग का, उसके बस पास में ही मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। दोस्तों लगभग 5:30 बजे मैंने ये राउंड चालू किया था आना सागर का, और अब लगभग 7:30 बजने वाली है, यानी 2 घंटे मुझे लग गए। और सामने की तरफ रास्ता बंद था, इसकी वजह से मुझे कुछ हिस्से में वापस घूम के जाना पड़ा। और आज तो ऐसा लग रहा है दिन में बहुत मस्त नींद आने वाली है, क्योंकि कुछ 13 किलोमीटर का था तो लगभग ये तो 20 किलोमीटर हो चुका है। चलिए तो दोस्तों वीडियो को भी यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना है, और आपके लाइक और कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों कुछ लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो उससे मालूम पड़ता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थकान होने के बावजूद मुझे अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील का एक पैदल चक्कर लगाने में बहुत ही आनंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।